चैनल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और यहाँ हम लोग भी काफ़ी अच्छे से हैं। और आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं अपनी सगाई की कुछ मेमोरीज। सगाई के दो दिन पहले रुचि उल्लासनगर में अपने चाचा के यहाँ रहती थी, तो मैं मिलने गया था उनसे। तो वहाँ पे उस दिन स्पेशल खाना बना के रुचि ने खिलाया था, मुझे आज भी याद है वो। और वहीं चाचा के यहाँ पे छत भी है एक्चुअली, तो वहाँ हम लोग ऊपर बैठ के थोड़ी देर बात भी किए थे। इट वॉज वेरी मेमोरेबल मोमेंट एक्चुअली। सगाई के दिन जब मैं हॉल में पहुँचा तो मैंने रुचि को जब पहली बार देखा तो ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, क्या स्टाइल से पहनी थी, वाओ मैं तो फिदा हो गया था एकदम। और तुम बताओ भी? और मुझे मेरा रिएक्शन इनको देखने के बाद ये था कि ये क्या पहन लिया इतना भारी, तो शादी में पहनते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे बहुत तड़क भड़क और हैवी पहना है इन्होंने। तो आ ही गया वो मोमेंट जब मैंने रुचि को अंगूठी पहनाई थी, देखिए मोमेंट को। सगाई की साड़ी कैसे सिली की थी बताओ? मैंने अपनी सगाई की साड़ी, मतलब एक मैंने पहले ली थी, मैं और चाची मम्मी सब लोग गए थे लेने के लिए। और वो साड़ी जो हमारे ब्यूटिशियन है जो सगाई में तैयार करते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो फिर उनको हम लोग साथ में लेके गए उल्लासनगर में ही एक बहुत बड़ी शॉप है साड़ी की। फिर वहाँ से हम लोग ने ये एकदम ब्राइट सा कलर सेलेक्ट किया जो कि उनको भी पसंद आया और हमने भी पसंद किया। अरे बहुत अच्छी थी, लेकिन पहनाने की स्टाइल किसकी थी? बहुत अच्छा था, उन्होंने ही पहनाया था, सब जो तैयार किया था मुझे उन्होंने ही पहनाया था। बहुत अच्छी थी वो, मतलब अच्छे से मेकअप वेकअप किया था। देखिए रुचि क्या ब्यूटीफुल लग रही है। फैमिली मेंबर से कुछ क्लिप्स हैं इसमें, सब लोग आए हैं।
खुद ही लेने गया था दादर में सुविधा में, और अपने फ्रेंड लोग को फोटो भेज भेज के कैसा लग रहा है। फाइनली मुझे वो कलर पसंद आया और मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ईद को तो लगा कि उस दिन तो खाया जा नहीं रहा था, इतने सारे लोग, पहली बार सब ससुराल वालों से भी मिली थी मैं, तो एकदम लग रहा था कि क्या सबके सामने ऐसे टूस टूस के खाना खाऊं। तो मैं कम खा रही थी तो इनको लग रहा था कि लड़की ये खाना खाती ही नहीं है ज़्यादा, और ये अपना सोचे कि एक बिरयानी मंगाऊंगा, फिर थोड़ा सा लेगी और मैं पूरा खाऊंगा भर के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में मैं जम के खाती हूँ खाना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं खिला रहा था, खा ही नहीं रही थी, तो मैं सोचा कि कम खाती होगी, उस वक्त पर बोल चलो मैं खा लेता हूँ फिर, तो कोई बात नहीं। काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट हुआ है हम लोग की लाइफ में पहले भी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे पार्ट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, इसलिए मैक्सिमम जो सगाई शादी और बीच में हमने जो भी इन्जॉयमेंट किया आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर सकूँ। ऐसा लग रहा है पैंडेमिक की वजह से कुछ खास हो नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ अपनी प्रीवियस मेमोरीज भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को मेरी ये सगाई की मेमोरीज कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत ही हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट मोमेंट है हमारी लाइफ का। सगाई करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो वाह बढ़िया लड़की मिली है। मेरा संगीत का वीडियो भी देख लेना आप लोग, मैं लिंक बोलता हूँ रुचि को डालने के लिए। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और रुचि की संगीत का कुछ पूछो उनसे, क्या हुआ क्या मेरे हुआ? संगीत का वीडियो मेरे मायके में ही है, वो मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोग के साथ वो भी मैं उसके भी कुछ पार्ट शेयर कर सकूँ। और शादी का कौन डालेगा? शादी का मैं डालूंगा बाद में। अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।